बिस्मिल्लाह लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने आप लोगों को पूछा था क्या बोलना है करना है हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक चेक करा लिए थे ठीक है। तो आज जो है हम 22 23 24 25 करेंगे सॉल्व और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो 22 23 24 और 25 है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। एक दफा हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के रिवाइज कर लेते हैं इसमें वो क्या कह रहे हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर 19 में लेट्स रिव्यू दिस। वो कह रहे हैं नवाज शहबाज और फराज हैव टू डिवाइड अ पीस ऑफ लैंड अमंग देमसेल्फ। इन तीन लोगों ने एक जमीन का टुकड़ा है जो डिवाइड करना है आपस में। द एरिया ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड इज 804 स्क्वायर मीटर्स। कहता है उसका एरिया क्या है ये है। इफ द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ नवाज एंड शहबाज 7:4 नवाज और शहबाज के जो शेयर्स का रेशियो बनता है वो 7:4 बनता है जबकि शहबाज और फराज के शेयर का जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है 5:3। कहते फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अब ये क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है यानी कि नवाज का शहबाज के साथ और आगे फर्दर शहबाज का फराज के साथ। अब हम इसको कैसे करेंगे ऐसे देखेंगे नवाज शहबाज फराज इस तरह से इसकी इलस्ट्रेशन आएगी। नवाज और शहबाज का आपस में क्या है 7:4 दो लिखा और शहबाज का फराज का क्या है 5:3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आपने नवाज की जो ये जो है शहबाज की इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर लिखना है 7 × 5 = 35 यहाँ पर आ गया 35 5 × 4 = 20 यहाँ पर आ गया 4 × 3 = 12 यहाँ पर आ गया सम ऑफ रेशियोज आ जाएगा 35 + 20 + 12 आ गया 67। अब शेयर ऑफ नवाज कैसे निकलेगा नवाज की जो ये वाली जो रेशियो है ना अब ये काम होगी अब ऊपर वाली नहीं होगी ये वाली काम होगी 35 × 20 = 12। अब इसकी क्या है रेशियो 35 है तो 35/67 × 804 तो उस पीस ऑफ लैंड का इतना पार्ट जो है वो हो गया नवाज का। इसी तरह 20/67 × 804 पे हम करेंगे तो आ जाएगा शहबाज का और फराज का कैसा आएगा 12/67 × 804 ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 to 25 जो हैं वो हमारे पास कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन के ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दैट। कहता है डिवाइड रुपीज 5/4 to 5/3 ब्रदर्स A, B, and C, such that A ratio B is this and B ratio C is this. So start solving the questions. Illustration कैसे बनेगी A ratio B ratio C. A ratio B क्या है हमारे पास 4:5 है सो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 आ गया यहाँ पे आ जाएगा 5 और B ratio C क्या है हमारे पास 9:16 ठीक है। अब हमने इसकी एक कंप्लीट रेशियो बनानी है तो पहले 4 × 9 = 4 × 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 देन के ए के नीचे आ जाएगा 36 रेशियो। अब हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 × 5 = 40 ओके एंड देन 5 को हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 80 ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो इनकी रेशियोज बन गई है। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ रेशियो जो है वो हमने निकालना है तो सम ऑफ रेशियो के लिए हम क्या करेंगे कि हम 36 को ऐड करेंगे 40 में और 40 को ऐड करेंगे हम 80 में तो हमारे पास ये सम ऑफ रेशियो आ जाएगा 156। 80 और 40 हो गया 120 और 120 और 36 क्या आ गया हमारे पास 156। तो आप ऐसे लिखने जा रहे नीचे लिख देंगे सम ऑफ रेशियो क्या है यानी कि आपके पास सम ऑफ रेशियो क्या आ गया इज इक्वल्स टू 156 ओके। अब हमने क्या निकालना है शेयर ऑफ फर्स्ट ब्रदर ए तो शेयर ऑफ ए कैसे निकलेगा शेयर ऑफ ए आ गया जी
मल्टीप्लाई में पैसे कितने हैं 5425 का शेयर ऑफ निकल आएगा एक 36 डिवाइडेड बाय 156 ठीक है। और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5425 से, तो हमारा आ जाएगा रुपीज 125.9 यानी कि रुपीज 125.9। ये आ गया शेयर ऑफ ए। इसी तरह से अब हमारा शेयर ऑफ बी कैसे आएगा ठीक है, शेयर ऑफ बी देखते हैं। शेयर ऑफ बी हमारे पास आएगा ऐसे, ये मैं इसको बी में कन्वर्ट कर देता हूँ। बी का क्या है 40 ओवर 156 मल्टीप्लाई बाय 5425 का जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा सही है। इसी तरह अब हमने निकालना है शेयर ऑफ सी। शेयर ऑफ सी के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप। अब हम अपनी थर्ड रेशियो को जो है वो 156 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5425। थर्ड रेशियो क्या है हमारी 80 है, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 156 डिवाइडेड बाई 156 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5425 इट कम्स आउट टू बी 2782 रुपीज 2782 इसका आंसर ठीक है। इसी तरह से आपने तीनों के शेयर्स फाइंड आउट कर लिए ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वो कह रहा है डिवाइड रुपीज 2415 अमंग थ्री ब्रदर्स अशरफ असलम एंड अकरम सच दैट शेयर ऑफ असलम रेशो अशरफ जो है वो क्या है 4:5 है और अशरफ रेशो अकरम क्या है 9:16 है। इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। इलस्ट्रेशन इसकी भी कैसे बनेगी हमारे पास, मैं नेम्स नहीं लिख रही इधर, लाइक इट्स really difficult to write here, so I'm just starting off with the ratios. पहले असलम, तो ये देखें दोनों में अशरफ आ रहा है तो अशरफ सेंटर में आएगा और साइड पे अकरम, means असलम रेशो अशरफ रेशो अकरम Okay. अब हमारे पास असलम की क्या रेशियो थी 4:5 थी, यानी कि ये आ जाएगा 4:5 और अशरफ और अकरम की क्या थी 9:16। अब हम कैसे इसकी रेशियोज बनाएंगे, लाइक 4:9 = 36, 5:9 = 40,
सॉरी ऊपर से हमने गलती कर 5 9 से 45 होता, मैंने 40 लिख दिया ऊपर भी, सॉरी पिछले क्वेश्चन में भी 45 ही आना था, सॉरी सॉरी। अब आप लोगों को देख लीजिएगा, तो ये भी आ गया 9 5 16 5 80। अब जिसका सम बनेगा, आई एम अगेन सेइंग पिछले पीछे मेरे से मिस्टेक हो गई है, 5 9 45 होता, मैंने 40 लिख दिया था उधर, तो आप लोग उसको कुछ ठीक कर लीजिएगा। ओके सो ये भी सेम है क्योंकि इसमें भी रेशियोज की जो डिवीजन है वो क्या है, सेम है, तो अब आप लोगों को फाइंड आउट करना मुश्किल ही होगा। यानी कि हमने पीछे क्या मिस्टेक की थी, हमने एडिशन में भी गलती की थी, सो इट्स 36 प्लस 45 प्लस 80, ये बन जाएगा 161। इसका सम क्या बनेगा, 161। सो शेयर ऑफ असलम कैसे निकलेगा, 36 ओवर सम ऑफ रेशियो क्या है, 161 इनटू क्या है, 2415। तो इस तरह से आपका निकलेगा शेयर ऑफ असलम। अशरफ का शेयर कैसे निकलेगा, 45 ओवर 161 इनटू 2415। और इसी तरह से हमारा जो अकरम का शेयर है वो कैसे निकलेगा, 80 ओवर 161 इंटू 2415। ठीक है, अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके जो है वो इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं। लाइक 36 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 2415, तो ये आ जाता है आपके पास 540। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके पास, 540 आ जाता है। इसी तरह ये अगर आप करें 45 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 2415, तो ये आ जाता है आपके पास 675। क्या आ जाता है, 675। इसी तरह ये अगर आप करें 80 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 2415, तो वो आ जाता है आपके पास 1200। ठीक है, यानी कि असलम का शेयर कितना निकला, 540। अशरफ का कितना निकला, 675। और अकरम का कितना निकला, 1200। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को यूज करते हुए तीनों लोगों के शेयर निकाल दिए। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है डिवाइड रुपीज 27,000 अमंग सुमेर सिद्रा एंड अमारा सच दैट सुमेर रेशियो सिद्रा इज इक्वल टू 2:5 एंड सिद्रा रेशियो अमारा इज इक्वल टू 10:4। इसकी भी इलस्ट्रेशन कैसे बनाएंगे, सुमेर रेशियो आपने नेम्स फुल लिखने हैं, मैं फिर बता रही हूँ, सिद्रा रेशियो अमारा। ओके, अब सुमेर और सिद्रा की क्या है रेशियो, 2:5 है, और सिद्रा और अमारा की रेशियो क्या है, 10:4। तो इनकी रेशियोज क्या बनेंगी, 2 10s are 20 ratio 10 5s are 50 ratio 5 4s are 20। ठीक है, आप तीनों को ऐड करें, 20 20 40 और 40 प्लस 50, आपका सम ऑफ रेशियोज क्या निकल आएगा, 90 निकल आएगा। ठीक है, आपका सम ऑफ रेशियोज क्या आ गया, 90। अब हम सुमेर का सुमेर की रेशियो क्या निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 27,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1s are 9 9 3s are 27 होता है, तो यहाँ पे आ गया ये 300, और 300 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6,000 आंसर आ जाएगा। यानी कि सुमेर का शेयर कितना आ गया हमारे पास, 6,000। ओके, नाउ अब हमने निकालना है सिद्रा का शेयर। सिद्रा का शेयर कैसे आएगा, 50 आई है रेशियो,
आपको 50 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाय 27,000. अगेन 90 जो है वो 300 से मल्टीप्लाई हो 27,000 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 से 15, तो आपका आंसर क्या आ गया 15,000. ठीक है, और अब हम अगर निकालें इसका हमारा क्रिएशन निकालें तो वो क्या है 20 है, तो वो भी क्योंकि इसकी भी 20 थी इसकी भी 20 थी, तो दोनों की क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, यानी कि ये भी यही होगा 20 और 90 इंटू 27,000, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 6,000. यानी कि आपके पास सिद्रा के शेयर भी 6,000, हमारा के शेयर भी 6,000, जबकि सॉरी सुमेर का शेयर भी 6,000, हमारा का शेयर भी 6,000, और सिद्रा का शेयर आपके पास सबसे ज्यादा है जो कि हमारे पास कितना आया 15,000. ओके, अब वो कह रहा है 3 students, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं. 3 students A, B and C received the scholarship of ₹3,600. कहता है जी इनको स्कॉलरशिप मिला तीन बच्चों को 3600 का. डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इट इज इन द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी की क्या है 3:2 और बी रेशियो सी क्या है 4:5. इलस्ट्रेशन बनाते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी. ए रेशियो बी क्या है हमारे पास 3:2 और बी रेशियो सी क्या है 4:5. चले 3 4s क्या होता है 12, 4 2s क्या होता है 8 एंड देन 2 5s 10. ये आपके पास रेशियोज क्या 12:8:10. अब इसका सम ऑफ रेशियोज क्या आएगा 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, यानी कि सम ऑफ रेशियोज आपके पास क्या आ गया 30. अब शेयर ऑफ ए अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे 12/30 मल्टीप्लाई बाय 3600. 0 0 से कैंसिल, ये 120 आ गया. अब 12 को 120 से मल्टीप्लाई करें 12 12 144 होता है, तो ये आ जाएगा 1 4 4 and 0. यानी कि ए को स्कॉलरशिप कितना मिलेगा 3600 में से 1440. इसी तरह ये बी का देखें वो क्या है 8 है, 8/30 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये 0 0 से कैंसिल, 3 12 8 क्या होता है 96 होता है ना, तो याद है इसको मिलेंगे 960 rupees. इसी तरह अगर हम शेयर ऑफ सी निकालें तो वो क्या था 10 था, तो ये 10/30 इंटू 3600 120 आ गया. 120 को जब हम इसे करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 1200. यानी कि स्कॉलरशिप में से ए को कितना मिलेगा 1440, बी को कितना मिलेगा 960 और सी को कितना मिलेगा 1200. तो ये थे हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, दे वर क्वाइट इजी. अब ये एक्सरसाइज हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिए थे और बाकी हमने अब कर लिए. ओके, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज. परसेंटेज हमने पहले भी एक लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि अपने साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कराऊंगे, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अगेन सॉल्व एंड रिवाइज द क्वेश्चन. ओके, अब कहते हैं इट इज इजी टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद अ कॉमन डिनोमिनेटर. कहते हैं हम अगर दो फ्रैक्शन हो
उनको कंपेयर करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा अगर उनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. एंड कंपैरिजन बिकम्स मोर इजीयर इफ द कॉमन डिनोमिनेटर इज 100. और कहते हैं कंपैरिजन तब ज्यादा आसान होगा अगर हमारे पास फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो, 100 हो. परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है? अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज. ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन एंड इज कॉमनली यूज्ड एज रेट. किसी भी चीज का रेट फाइंड आउट करना होना कि इतने परसेंट रेट है, जैसे प्रॉफिट के केस में कि आपके इतनी सेल्स हुई है तो इस बार का प्रॉफिट कितने परसेंट निकला. किसी चीज का रेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं. दस 33% इज इक्वल टू क्या आ गया, 33/100 आ गया. 45% क्या आ गया, 45/100. एंड 90% क्या आ गया, 90/100. इसी तरह अगर आप डेसिमल फ्रैक्शंस ले लें तो 0.33 क्या आ जाएगा, 0.33/100, यानी कि 33/10,000 आ गया. इसी तरह 0.495 है तो 0.495/100. और जब पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास 3 0s 495 के भी आ जाएंगे नीचे, तो वो बन जाएगा मांगा. अब देखा हुआ परसेंटेज में भी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन यूजुअल मैंने कहते हैं परसेंटेजेस को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 17% प्लस 33% इज इक्वल टू 50%. 67 - 25% इज इक्वल टू 42%. जैसे हम ऑर्डिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हम परसेंटेज को भी सॉल्व करते हैं. इसकी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम मैनर ठीक है. अब वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन. कहता है अब परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होती है. टू एक्सप्रेस द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, कहता है कि अगर आपने एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक परसेंटेज वाली वैल्यू को एक फ्रैक्शन में आपने जो है वो शो करना हो या एक्सप्रेस करना हो तो आप क्या करते हैं, ड्रॉप द परसेंटेज साइन. आप परसेंटेज का साइन हटा देते हैं एंड डिवाइड बाई 100 और उस वैल्यू को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल 16% हमारे पास, तो 16 हमने परसेंटेज का साइन हटाया, उसकी जगह लिखा नीचे 100. और अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या है, 4/25. इसी तरह अगर 45% है तो 45/100 आ गया. और जब हमने इसकी कैंसिलेशन की सिंपल लोएस्ट फॉर्म में लेके आया तो वो क्या आ गया, 9/20. अभी आपको होल जो है वो नंबर दे दिया 43/1/2. इसको 2 को 43 से मल्टीप्लाई करें 86 एंड 86 प्लस 1 87/2% आ गया. परसेंटेज का साइन हटाएं तो नीचे आ जाएगा, 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके आ जाएगा 87/200. इसी तरह 33/1/3% है, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें 99 को 1 से करें तो 100/3. और परसेंटेज का साइन ड्रॉप करें तो 3 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 100/300. तो आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 1/3. इसी तरह अगर 25.5% है तो वो क्या आएगा, 25.5% का साइन ड्रॉप किया नीचे आ गया 100, पॉइंट हटाया तो 255/1000 आ गया. आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया. अब वो कह रहा है कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया. अब वो नेक्स्ट कहता है कि हम परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. अब उसके लिए वो क्या प्रोसीजर बता रहा है, टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज टू अ डेसिमल. कहता है अगर आपने एक परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, यूजली कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे नॉर्मली क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है. रिमूव द परसेंटेज साइन, कहता परसेंटेज साइन हटा दी एंड मूव द डेसिमल पार्ट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट. लेफ्ट साइड पे टू प्लेसेस डेसिमल पार्ट को आप मूव कर दें, ठीक है. तो आपकी जो परसेंटेज है वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये 16% है, परसेंटेज का साइन हटाया और डेसिमल पार्ट ये देखिए 1/2 हटाया तो ये 0.16 बन गया. इसी तरह 45% के केस में यहाँ से काउंट करें 1/2 हटाया तो 0.45. अब 7% है तो 1/2, और यहाँ पे कुछ नहीं था उस जगह को फिल करने के लिए हमने साथ क्या लगा दिया, 0. तो 7% इज इक्वल टू 0.07. इसी तरह 4.8 है तो जगह 0.048. 33.25 है तो हो जाएगा 0.3325. देख
देख रही हूँ कि एक्सरसाइज 9.3 जो है चलें पहले हम ऐसे करते हैं जो एक्सरसाइज 9.3 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस, कहता आप इसको कॉमन फ्रैक्शंस में चेंज करें। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या रूल बताया था, परसेंटेज का साइन ड्रॉप कर देना और उस चीज को 100 से डिवाइड कर देना। तो 19% क्या आ गया हमारे पास, 19/100। 37 क्या आ गया, 37/100। 50, ये 58/2 है, यानी 58 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है आपके पास, 58 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा आपके पास 116, 116 प्लस 1 क्या आ गया, 167/2। ठीक है, और अब परसेंटेज का साइन हटाना है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा 167/200। ठीक है, इसी तरह 15% है तो 15% क्या आ जाएगा, 15/100। 14 है तो क्या आ जाएगा, 14/100। 48.5 है तो ये क्या आएगा, पहले डेसिमल को हटाएं आप, सॉरी 48.5 बना है तो पहले आप ऐसे लिख लें 48.5/100। नाउ इट्स अप टू यू, आपने डेसिमल हटाने के लिए हटाना है तो वो आ जाएगा 485। और जब इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आएगा ना, यानी कि 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ये आपका बन जाएगा 1000। ठीक है, अब जो तो सिंप्लीफाई हो सकती है उनको आप सिंप्लीफाई कर लें, लोएस्ट फॉर्म में ले आए, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब कह रहा है इनको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। डेसिमल में जब करना होता है तो हमने क्या करना है, परसेंटेज का साइन हमने हटाना है और लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देने। ठीक है, तो अब इसके लिए ओके ये देखिए 13% है, मैंने परसेंटेज का साइन हटाया, 13% है और यहाँ से डेसिमल काउंट करूंगी 1 2 यहाँ पे लगेगा, ये आ जाएगा 0.13। ठीक है, अब इसी तरह से ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0.13। अब ये 21.5 है, अब इधर भी आप परसेंटेज का साइन हटाएं तो क्या आ जाएगा, 21.5 है ना, तो पॉइंट यानी कि यहाँ से 2 डेसिमल पार्ट्स इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.215। इसी तरह ये 27.5 है ना, इसको हम 27.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस आप इसके शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 0.275। 15% है, 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करें तो ये बनेगा 0.15। ये 14% है,